नमस्कार, गुड मॉर्निंग ओडिशा को स्वागत करुच्ची मु शुभश्री। आज आम सह सका जी अतिथि अच्छा जीवनी विषय जानवा परिवार विषय जानवा ताह रोग आ रोगर निराकरण विषय भी जानवा। आज्ञा हाँ, आपण मैंने ठीक गेस कर सारी आम सह अच्छा आज दुई दुई जन डक्टर तो चलतु तर परिचय करवा। आम सह अच्छा स्नायु रोग विशेषज्ञ डक्टर विकास कुमार मिश्र और धर्मपत्नी डक्टर रश्मिरेखा आचार्य। चलतु तक कार्यक्रम को स्वागत करवा। नमस्कार, आप दुई जन को कार्यक्रम को स्वागत। प्रथम तो जानवी आप दुई जन के अच्छा बहुत भल थैंक यू एमबीएस टीवी आसी के लगुच बहुत भल लगुच थैंक यू आपण मैंने आमको ये इनवैट कर बहुत खुशी लगुच। आज्ञा, आज सका सका आज आपको स्टूडियो को डाकिदेलु तथापि आप प्रतिदिन सका जल्दी उठी जाती ना केवल स्टूडियो आसपापी आप जल्दी उठी जाइंट मैंने आप रुटीन टा के थाए मर्निंग आम रुटीन स्टार्ट हुए पाँचटा बेल मर्निंग फाइव दी जन जाए पाँचटा बेल उठिकी किस समय आम पेट को दूर किस समय द्वित कथबार्ता हो गार्डन देखिकी आईदर मो जिम को जाए मोर एक्सरसाइज। अच्छा, आप जिम भी जाती मोर निजर घर वर्कआउट करते वर्कआउट कर मैंने आप पेट भी रखी को पेट सब अच्छा घर एवं प्रेजेन्टली तो मानते आम घर गोटे बिगल अच्छी। अच्छा, ता ना हूँ ओरियो बाकी मोर बहुत बड़े फिश अछंती टर्टल्स अछंती टर्टल्स अछंती अगेन नेत बापरे जेमति के आपण सकाळ उठु जंती भोर 5टा रु आपण को रुटीन टा आरंभ होई भोर 5टा रु भोर 5टा रु आपण को रुटीन टा आरंभ होची। आपण जने डॉक्टर जेमति की आपण केमति कोन मैनेज करंती सकाळ जॉब लाइफ टू आरंभ करिकी फॅमिली लाइफ। एक्चुअली माने इट इज अ डिफिकल्ट थिंग बट जदि मेंटली यू बिकम वेरी स्ट्रांग आउ निहाती जिनस को तमें जदि फर्स्ट रू ही लाइन अप करी दबा कि कौन करीबा को अच्छी थ्रू आउट द डे देन थिंग्स बिकम वेरी इजी। जमी सर कहले आम सका उठिक आगे आम पेट कि गार्डन कि आम ठाकुर पूजा आम देखीदे देन ऑटोमेटिकली द डे फॉलोज सो यू हैव टू बी वेरी रूटीन बाउंड सहीता हेले जिनसटा बहुत इजिली चली जाए सो यू कैन नॉट बी कि एटा ए टाइम रे हे जीव सेटा से टाइम रे हे जीव सो आई आई फॉलो माने आमे दी जण एक्चुअली गोटे डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करू तो सेथरे सबु काम ऑटोमेटिकली इजी प्रोसेस रे चले कारण ता भितर आपण हॉस्पिटल भी देखिबे छुआ मानकु भी देखिबे आपण जने कॉस्मेटिक डेंटिस्ट नथो से टाइम टा आपण को केते बेले दबा को पड़े। एक्चुअली हमरो हां नौटा पाखा पाखी नौटा साढ़े नौटा रु चारटा जाए इज द ऑफिशियल टाइम तो से टाइम टा आप डेफिनेटली आप हॉस्पिटल को आउ पेशेंट मान को सेठी कंट्रीब्यूट करिवे ता परे मु आसी के कंप्लीटली मोर छुआ मान को आ मोर घर को टाइम दिए सकालु आपण लंच प्रिपेयर कर दे थांती ना लंच प्रिपेयर करबा पई के अछंती अछंती घरे अछंती जेते बेले पिला मन को फील करंती कि से माने किछ मामा हाथ रे खाइबा को चाहु छंती मो डेफिनेटली मो सेटा आगरु प्रिपेयर कर दियंती। जदि पिला मन को बिषय कहले तले पिला मन को बिषय बिटकी जानि देबा पिला माने सब कोन करु छंती। एक्चुअली मो झिया 12 सारी के एबे मेडिकल पई प्रिपेयर करछि एबे रिसेंटली ता परीक्षा आसु छि। आज्ञा, आउ शी इज वेरी एकेडेमिकली वेरी ब्राइट स्टूडेंट आउ से बहुत कंपटीशंस आगरु सब जीति आपणकर एमबीसी टीवी रे भी से गोटे जूनियर चाइल्ड आर्टिस्ट डांस शो से करिछि लॉन्ग बैक हे गलानी 8 वर्ष हे गलानी। हां, शी इज अ वेरी गुड डांसर बापा मा डॉक्टर दीदी आउ छुआ माने त निहाते टैलेंटेड हेबे से मूवी रे भी पार्ट करछि इलोक्यूशन कंपटीशन डांस सॉन्ग बैडमिंटन कंपटीशन रे स्टेट लेवल जे छि जियो गोटे पुओ। अच्छा, पुओ कोन करछंती? पुओ मोर एबे 11th को गला 10th बोर्ड सारी कि 11th को गला फ्यूचर प्लानिंग सब कोन रखी चंती माने से तांको हिसाब रे भविष्य गड़िबे ना आपण सेमते किछ प्लानिंग रखी चंती नै तांको अनुसार से मन भविष्य गड़े तांको तो हम किछ फोर्स करबा नै जियो हमकु देखि कि इच्छा करथला मेडिकल रे आसे पय त तांको मेडिकल लाइन अछि पुओ को मेडिकल लाइन इंटरेस्ट नै तार इंजीनियरिंग लाइन अछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर से काम करछि से एठो ऑक्सफोर्ड रो काम करछि स्टैनफोर्ड रे काम करछि से नासा रो इंटरनेशनल कंपटीशन नासा रे ओवर चैलेंज टेस्ट रे सेवन थर्ड प्राइज पछि इंटरनेशनली बाकी से तार से फुटबॉल ही लव्स फुटबॉल फुटबॉल खेले बल पाए तन तार से तरी जाए बैडमिंटन रे से जाई छि डिस्ट्रिक्ट लेवल जाए कि स्टेट लेवल रे प्रेजेंट करछि। स्टेट लेवल रे चैंपियन हे छथि। वाह,
माने समस्त प्रतिभा रो अधिकारी आपनको घरे ही अछंती दीटा पिलांको पाकरे सब किछ प्रतिभा अछि अच्छा आपन कोठो माने घर कोठि आपन कोठ बिलोंग करछंती मो आमरो घर होछि कटक रे कटक मो ग्रैंडफादर थिले डॉक्टर कुलमण मिश्र जने बहुत बडो रेनाउन डॉक्टर तांको समय रो आम फैमिली रे रन करे आदर डॉक्टर्स होंती और दे आर मोस्टली डॉक्टर्स और एडवोकेट्स यूजुअली इंडिपेंडेंट जॉब रे फेवर रे समस्त थांती तो मो फैमिली रे मो द 18th पर्सन जे डॉक्टर अच्छा सो किंतु हमर मिडिल क्लास फैमिली रे हम लाइफ स्टार्ट करचो मो वर्नाकुलर मीडियम स्कूल रो पाठ पढ़ची कटक रे तापर मो कटक रे एमबीबीएस करची एमडी सरला परे मो 98 रे जाय जॉइन करली दिल्ली रे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रे सेठी मोर डीएम सरली न्यूरोलॉजी रे सेठी फेलोशिप सरली तापर मते यूएस रे फेलोशिप मिलला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ होची वर्ल्ड रे प्रीमियर इंस्टीट्यूट सेठी मु जॉइन करथली एज ए स्पेशल इनविटी फेलोशिप ग्रांट मते मिलिथला उटा 2006 रो ऑल ओवर अमेरिका रे जते न्यू पेपर्स हेतला तार मोर पेपर ता बेस्ट पब्लिश हेतला क्वालिफाई भी बहुत थोड़ा ओपीएससी एंड यूपीएससी दीर्घ जाकर क्वालिफाई कर ची किन ज्वाइन करने थे लेके भाई तापरे सेटी जॉन्स हॉपकिंस इन स्कूल ऑफ मेडिसिन रे भी मो अटैच ही की थी ली मो सेटी मोर एपिलेप्सी फेलोशिप कली पेन मैनेजमेंट फेलोशिप कली देन मो पुन थर वापस इंडिया पढ़े आसली बिकॉज अरे बाप रे इतने लंबा लिस्ट मो सेटी थिबा भीतर से माने एक्सपेडाइट प्रोसेस रे मोर ग्रीन कार्ड रे काम भी कर दे थिले आई वेंट इन H1B वीसा जोटा बहुत रेयरली मिलिया पई मो पई एनएच डायरेक्टर को फोन करे पड़ला यूएस एंबेसडर को इंडिया रे टू एक्सपेडाइट वीसा प्रोसेस सो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी तो ए माने मते 7 डेज भीतर वीसा दे थिले बट अदरवाइज 5 मास रो वेटिंग पीरियड थिला सो दे गिव मी 7 डेज टाइम माने सो लक्की आपण कहबाक बोले माने एक्चुअली गॉड को धन्यवाद दवा कथा भगवान को भगवान को आशीर्वाद सब बड़ मान कर के बापा मां कर भी निहाती हबे डेफिनेटली डेफिनेटली आ सेकंड तांकर जो इच्छा मो देखि छी मो एति की वर्ष भितरे कि ऑलवेज टू सर्व द ओडिसा पीपल सो से पाठटा ही कंप्लीटेड टू द बेस्ट लेवल सो दैट ही कुड माने रिटर्न करके ही कुड सर्व ओडिसा तो सेटु फेरिया पर भी ओडिसा रे ट्राई करथिलि जॉइन करया पई किन सेते बट सेते बले सेति समति फैसिलिटीज कि समति अपॉर्चुनिटीज नथिला तो आपण तो कटक रो माने बिलोंग करछन्ते आपण मु एमति देखले कटक को ही बिलोंग करछे मो जेजेपा होचन्ति लक्ष्मी नारायण आचार्य से होचन्ति बहुत बड़ कविराज सो आमे किंतु मो बापांकर जॉब थिला भुवनेश्वर रे तो आमे भुवनेश्वर रे मो पढ़ी आउ बड़ सो तापर मु मोर बीडीएस करने को पलि के एमसी मैंगलोर कर्णाटका तापर से फेरिकी मु दिल्ली रे कि वर्ष कम कली तापर भी गॉट मैरिड आम से जर्नी सहित मोर आरंभ बहुत जीवन को भी जी कमी देखा ना अरेंज मैरिज ना लव मैरिज प्रथम जानी अरेंज मैरिज होता मानने अरेंज मैरिज बहुत कैसे वर्ष हो गला 23 years. 23 years माने जर्नी तो समस्त को लाइफ रे थाए सेमती किछि आसेनी फेस करिना ते केबे आपण जेतले बाहा हां बाहाघर पूर्वरु आपण जने झियो हिसाब रे बंचुथिबे बाहाघर पर किछि परिवर्तन मोर ट्रांजिशन ता एते बेसी लागिलानी कारण तांक माने मोर सासु नियंतु ससुर नियंतु जा देडसुर ननंद माने समस्त जॉइंट फैमिली रे अछंती आज्ञा आज्ञा माने जॉइंट फैमिली रे आगुरो इनिशियली थिलु किन जेहेतु हम वर्क प्लेस से भुवनेश्वर अच्छा तो आमे तो एपटे रहिलु बट सब जो गैदरिंग जोटा जेमति आपण मान को घरे सब गैदरिंग टा एकठी सो से जो ट्रांजिशन बेसी किछे ये नथिला माने बहुत कंफर्टेबल से माने प्रथम रे ओवर सपोर्टिव माने परिवार तरफ बहुत सपोर्ट दिया बहुत सपोर्ट माने सेटा होचे सबटो बड़ ब्लेसिंग आउ प्लस मो पेरेंट्स को मु बहुत थैंक्स देवी कारण से माने हमको आगुरु ही से जिनसटा बते दे चंती कि केमति बड़ों का सम्मान करिवो केमति एडजस्टमेंट करिवो केमति एडजस्टमेंट करले हमें भी सिखिबो डेफिनेटली सतरे आजिकल का पिला मान को एडजस्टमेंट होची फर्स्ट जिनस जोडा सिखिबा दरकार माने देखो जेमति हमें भाबुचे कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा हबो ये हबो सेमति किछ लेखा हैनी इफ यू फील इन द माइंड
कि यू कैन जस्ट बैलेंस इट एब्सोल्युटली यू कैन बैलेंस इट मुझा फिल कर पचारे 23 वर्ष केमती चली 23 वर्ष केमती गला मतलब जना पड़लानी बिकज मो बहुत जिनस शिखी एंड जमी बापा माँ मैंने बड़ कर सपोर्ट करती आपण कौन जे लाइक बिहाइंड एवरी मैन देर इज अ सक्सेसफुल वोमेन मोपाई ठीक उल्टा बिहाइंड अ सक्सेसफुल वोमेन इज अ मैन मो बापा पर ही एंड आई एम प्राउड ऑफ इट बहुत गर्व भी अनुभव करती मैंने एत सुंदर तारीफ मिल सारापर सर आपत कौन मनोभाव रोज अज्ञा एंड सिंसियरली डिवोटेडली तुम काम कर जो भी फिल्ड अच्छे जी जो अच्छा एंड तर सब बड़ इम्पोर्टेन्ट हूँ यू सुड बी अटैच टू योर फैमिली फैमिली लाइफ टा बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रोफेशनल एंड फैमिली पर्सनल लाइफ बैलेंस क्रिएट करवा तुम उत्थान पतन कारण उपर आस कारण तुम जब गोटे कौन से नेग्लेक्ट कर पारल नेग्लेक्ट कर लो ताल निश्चित भाव असुविधा आसो सो दैट बैलेंस इज इम्पोर्टेन्ट समस्त मन आसे दिजन डॉक्टर से लाइन रे जिनस मनोभाव छोट बापा माँ कहीं डॉक्टर बहुत भी अच्छा अलग प्रोफेशनल्स अच्छा साधु संत महाराज से बहुत दुखी अच्छा बहुत मानते से मंत्रा ही मानते जानवाक चाहिए से जो ट्रिक से मंत्री मानते जीवन रुशी रही मंत्री कौन केवल पॉजिटिविटी ना आउ किसी बी हैप्पी व्हाट यू काम रहिबो माने बी हैप्पी व्हाट यू एंड व्हाट ही सेड नाउ बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव अच्छा नल से जिनसाटा रन आउट कर जीवो से ग्रेटिट्यूड सपोज मो पाखरे 5 टका अछि मु जदि भाबी अन्य जन पाखरे 10 टका अछि ताले मु दुखी हेबे जो भाव अंपा गोटे टाँग अच्छी बेचारा खाया पा पैंट पा ना ये करना से अचिव कर पार ना किए कह मो पा पाठ पढ़ु ना सी भाव दरकार जहाँ पिला ना पिलार कि डेफिसीट्स अच्छे कि डिसेबिलिटीज अच्छे तुम तो बेटर अच अच्छा जरूरी अच्छे पिला खाली पाठ ही पढ़ तो बहुत एवेन्यूज अच्छे सो पेरेन्टल मैच्योरिटी दरकार से तुम इनहेरेंट क्यारेक्टर केमती ग्रो कर तेणु पॉजिटिव थिंकिंग कैन ओनली इज द ओनली पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन ब्रिंग इनटू योर लाइफ रेस्ट ऑफ थिंग्स विल फॉलो अन्य जिनस सब फॉलो करो अच्छा निहाति भापरे आपण जते बेले पाठ पढ़िथिले माने बापा मांकर तो अनुसरण करिकि किबा से माने कोथरे छोट बळो से मानको अनुसरण करथिबे बा से माने को दिग देखौथिबे किंतु बड हला परे आपणकर बापा मा जेंते कोथे परिवार रे मधे आपणकर डॉक्टर अछंति से मानको अनुप्राणित तो हे आपण डॉक्टर बर इच्छा हला ना आपणको मन भितरु आसेथरा जे आपण जने स्नायु रोग विशेषज्ञ हे क्या जे एते बड विशेषज्ञ रे परिणत होइ जिवे अन्य मानको देखिकि मु डॉक्टर होइ छी अच्छा सेमति पिला दिन से फिलोसफी नथिला जे स्नायु रोग को चूज केमति करले माने स्नायु रोग को चूज करले एगेन जिते लोक एम डी मेडिसीन करती लाइफ दुटा जिन थट्स थाए गोटे कार्डियोलोजी करेंगे ना न्यूरोलोजी करेंगे मुझे जो पाठ पढ़ी एवं नुआ नुआ एवेन्यूज आसगला स्पेशलीट सब ब्रांचेस आसगला कितने दुटा मेन ब्रांच था एंड न्यूरोलोजी सब एक्चुअली बहुत भल लगे मेडिसीन कला बेले तो दैट मेड मी फिल कि अच्छा स्नायु रोग अप्ट कर मु प्रथम पाठपढ़ा तो मुझे करी ये ओडिशा एम बी एस एम डी मुझार सारी तापर मुझ एम्स इंटरव्यू में क्वालिफाई कली तेणु मुझे जॉइन कले से मु मेडिसिन डिपार्टमेंट आगे जॉइन करी तापर मत न्यूरोलॉजी एक्सपोज होगा मतलब लगेगा न्यूरोलॉजी पसंद आसला मतलब बेटर लगेगा मुझु एक्चुअली जाइली भाविकी जे आउ किसी करी कि कौन न करी मेडिसीन करी कि मतलब जो स्नायु रोग विषय बेस भल लगेगा तादर मुझे डीएम कली से मुझे रेकर्ड होल्डर मार्क्स रखी 200-194 जो आज पर्यटन एंड मोर आउट रेकर्ड हूँ मुझे फर्स्ट ओडिया डायरेक्ट कैंडिडेट आगुरी सर्विस करते मैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स करते बट मुझे डायरेक्ट कैंडिडेट जे एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिल्ली एम्स रोगी ट्रीटमेंट करते फास्ट पेसेंट जो आपको आसी
ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ ନର୍ଭସ୍ ବହୁତ ଥିଲେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପେସେଣ୍ଟର ମୋର ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥାଏ ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଏଲ୍ଟେ ହେଇଛି ସେଟା ତୁ ଅପରେଟ୍ କରିଦେବୁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ରିଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଛି ବଟ୍ ସେ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟର ଥିଲା ତାର ସେ ବଏଲ୍ଟା ଶୁଖିଲାନି ସେ ଘାଟା ଶୁଖିଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଟରାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କେମିତି ହେବ କ'ଣ କରିବି ପୁଣି ତାକୁ ଧରିକି ଗଲି ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିଲିନି ପୁଣି ପ୍ରଫେସର ଟୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ନା ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା ନା ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଯେ ତୁମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହେଇପାରିବେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ ସେବା ମନୋଭାବ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ ତମେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ଘରର ମେମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଇଥିବ ତମର ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ତା ପେନ୍ଟାକୁ ତମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ସାଇନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁର୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ସବୁ ବେମାରୀ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟାଟା ବିର୍ଲା ଅମ୍ବାନୀ ଡାକ୍ତରଗୁଡ଼ା ନିଜେ 150-150 ବଞ୍ଚିଯାନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯାନ୍ତେ ଜଣେ ଆସିଛି ଯଦି ଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପେନ୍ ସଫରିଙ୍ଗସ୍କୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଗଲାଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବେଳେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟି କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରୁଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡିସିନ ରହିଛି ଗୋଡ଼ ବଥା ଦେହ ବଥା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ତା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଆଗେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିବ ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା ସ୍ନାୟୁ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କଜ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରିଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାର ଅଛି କରିବା ଉଚିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜର୍ନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କସ୍ମେଟିକ୍ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଇଚ୍ଛାଟା ମାନେ କେମିତି ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ପରଫେକ୍ଟ ଆଖି ପରଫେକ୍ଟ ଟିକେ ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ହାଉ ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଇଟ୍ ସୋ ପରଫେକ୍ଟ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ବିଡିଏସ୍ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍ ୟୋର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଏଇ ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ସୋ ନାଇସ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ଭେରି ଟଚି ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ ମୋର ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବି ସୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି
मु स्टूडेंट कैरियर रे भी जेते बळे दांत जार भंगा दांत कोठी छाड़ी जाइछि कोन हेछि जेते मते एज अ स्टूडेंट दिया हतला करावा को इट वाज कमिंग आउट वेरी परफेक्ट तो सर माने कहुतले कि अरे तो हाथ रे तो बढ़िया होछि तो सेठो मु भाबले कि नाही मु ए इंटरेस्ट टाकु ही आगु को रखिबी तो देन आई थॉट कि नहीं ता ऊपर ही हायर करबा जेंते अपन कहले कि माने स्माइल टे दिन भीतर जेते मैं स्माइल टा गोटे बढ़ा के दे देले माने हमरो जेंते कहले जे टची माने मो स्माइल टा केमते लागला सेमते जेते हम स्माइल टा गोटे कागरे खोलि कि न करि परिबा बा न हसि परिबा तो हमें गोटे सब बळे गोटे पछुआ बळे हमको लागे तो ए जो रहिछि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट कहले हमें कोन बुझिबा एक्चुअली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट एबे तार ना बहुत वाइड वेरिएशन हे गलाणी आगुरु आम भावुल छोट दात भांगी आम ठीक करदे आबे हूँ रेंज कि इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ईयर ओल्ड टिल यू कैन गो अप टू जो एज आम बंचीचे कहार भी करेक्शन हो पार चाहे से कॉस्मेटिक वे रे हूँ जमी मुझे ना ऑर्थोडोंटिक वे रे दि तीन प्रकार जिन सब फिलिंग आम सामना दात को फिलिंग दे पार लैमिनेट नले विनियर्स करि परबा जोथरे माने जेमती आपण को दांत ओरिजिनल सेमती सेटा दुसिबो अच्छा ता छडा जो मान कर टिके मिडिल एज लोक मान कर गैप हे जाउ छे से माने भाबुचन जे नाही सब बेले से माने देखिबे चापी की हसिबे खोली की हसिबेनी तांको केस रे आमे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करिके से दांत उडा को आमे पाख पाख करि परबा देखंतु समस्या चाहंती गोटे गुड लाइफ एंड कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर फेस हाउ यू टॉक हाउ यू स्पीक तो से जिनसटा आम देपर इफ वी गो टू अ डेंटिस्ट एवं देखो तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जमी मु कॉस्मेटिक डेंटिस्ट प्रैक्टिस करुच्ची बहुत जन जनरल डेंटिस्ट हिसाब से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ऑर्थोडोंटिस्ट एम समस्ते प्रैक्टिस कर तो दे कैन आउ घरे न बसिक दे कैन अप्रोच देम एंड दे कैन चेंज द फीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम यंग एज टू मिडिल एज एंड इवन ओल्डर एज आम पाख एम पेसेंट आसे मैंने कि दिन तले आस 63 इयर ओल्ड लेडी सी एक्चुअली पाठ पढ़ाती जो गैप हो जाए जो सी जो कथा हो सब हवा बाहरी जा सो आम वी कैन हेल्प देम ना तो से जगार केस दरकार पड़ा बोथ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आउ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हेल्प हो पार ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट माने होची ब्रेसेस से ब्रेसेस टा भितरु लागिवो आपण जानि परिवेनी केही जानि परिवेनी आ आस्ते आस्ते 6 मंथ्स भितरे सब दांत उडा पाख पाख को आसीबा आरंभ होई जाय तापर जो छोटो मोटो करेक्शन सेटा आमे उपरु फिलिंग देके ताको कंप्लीट कर परिवा अच्छा सेतरे कोन हला तांकर जिनसटा ट्रीट हे गला तो आमे किछि सेतरे बाहरु इंटरवेंशन की आमर जेंति किछि ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर से उडा नहु भाभी लोक ना सर्जिकली मो दात ये करदे सेमती किसी नुह इट इज अ वेरी कम्फर्टेबल प्रोसीजर मैंने आज जो मैंने यंग जेनेरेसन रोचे बहुत जन कौन मानते स्पेशल अच्छी चमकवाई किसी ग्लामर लगे ग्लामर लगे टूथ व्हाइटनिंग सिस्टम अच्छे अच्छा जो थे आप गले आम पेसेंट रातर एसेसमेंट करते सेड जाए लाइटर कर विभिन्न टाइप अफ व्हाइटनिंग ट्रिटमेंट अच्छे जोटा आप सिलेक्ट करेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टूथ आम कि रखीचु क्वेश्चनर आपको भर्ती करेंगे दातर सेनसीटिविटी अच्छी कि ना आप दात नर्माल अच्छी कि ना अकॉर्डिंगली यू डू द ट्रिटमेंट बट तार ट्रिटमेंट अच्छी जो आर्टिफिशियल दांत जो लगाती हाँ। तार सब कोन मटेरियल होची तार मटेरियल होची देर माने आगुरु आसुथला एक्रिलिक मटेरियल जोटा माने डेवलपमेंट एते भलो तार नथिला माने आपण जदि टर्मरिक माने अमर हल्दी हल्दी कि एबे जो फूड कलरिंग एजेंट खाइबा में खाउजे संग संग धरि नबो एबे ओ सेमती नाही एबे आमे पूरा पळेलुनी सेरामिक वर्ल्ड को सेथरे आमे सेरामिक रो डिफरेंट काइंड ऑफ सेरामिक अछि जो थे मेटल सहित अच्छे ऑल सेरामिक अच्छे माने बुझेबा को गले तो पूरा दिन लगे बट आपण पूरा लगे मोर दात पर दात लगे माने आपण सांग कही पारे कि एटा आर्टिफिशियल लगी कि अच्छा वी हैव माने बहुत डेवलपमेंट हो गला सेमती किसी लोक मन नहीं आर्टिफिशियल दात लगे बाहरी पड़ बिल्कुल बाहर प्रोसेस देखो
टाण माने आपण जदि जबरदस्ती सब दिन मटन हाड़ फाड़ सेगुडा चोबेबे देखो इट इज आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट किंतु एमती नॉर्मल आमर जो डेली रो खाइबा पीबा भात डाली तरकारी एगुडा सब आपण आराम से खाइ परिबे एंड आजिकाली देखो तो सामना दांतर किए भी डायरेक्ट खाऊनी फ्रूट्स आसले आमे कोन एप्पल को एमती खाउ छे कि काटी के खाउ छे लोग सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई थिंक नोबडी शुड वेट दे शुड गो कि जदी गोटे दांत गळी जाय छी कि दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर द ट्रीटमेंट अच्छा नेत्र भाव दांत विषय तो अनेक किसी कथ जानले आगे भी आलोचना करेंगे बट टे सारक जा सर जमी कि स्नायु रोग टी अनेक लोक मन में प्रश्न थी स्नायु रोग टी कौन तार सब सिम्टम कौन रही है आम जानवा जी गोटे स्नायु रोग टे हो बयस लोक अधिका ये रोग टी आटाक कै स्नायु रोग प्रायत दीटा जाक एक्सट्रीम एज ग्रुप रेसी या तो पिला क्षेत्र में क्या वयस्क लोक क्षेत्र में स्नायु रोग रे चाहे मुंड बिंधा हो अपस्मार रोग कि फिट्स प्रॉब्लम हो एपिलेप्सी प्रॉब्लम हैला स्ट्रोक है गला माइग्रेन हेडेक रे जो आसुची स्नायुगत दुर्बलता पई चली न परिबा स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जो अफेक्टेड करिबा परिसर रे असुविधा हवा देखिवार असुविधा हवा सुनिवार असुविधा कथा कहिवार असुविधा हवा हाथ रे जिनस निज काम निज कर पार नथियो दुर्बलता जो धरी पार नथिबे उठि पार नथिबे सेंसेशन पळेबा चलला बेले इम्बालांस हवा ये सब गुड़ा हूँ स्नायु रोग लक्षण मेमोरी खराब हो जिन भूली जावा ये सब गुड़ाक आसूर स्नायु रोग विषय कि मांसपेशी विक् हो चली पार ना बस थे उठि पार ना बालान्स करके चली पार ना से सब हूँ स्नायु रोग मानते क्यों बयस लोक अधिका पिला मानक क्षेत्र रे गोटे प्रकार बीमारी हुए बड़ मानक क्षेत्र रे केते बयस हो पिला जो छोटो पिला मानक छथि माने पीडियाट्रिक एज ग्रुप 16 वर्ष पर्यंत किमा एल्डरली एज ग्रुप 60 प्लस ए दिटा बेसी साधारण तो बेसी देखा जाए किंतु लाइफस्टाइल चेंज हो जको बर्तन यंगर जनरेशन भी एथरे अफेक्टेड हो छन जेमति आजकल अपन टीवी रे न्यूज रे सब देखुतबे जे हार्ट अटैक हे जाउ छी यंग लोको तार केमती हार्ट अटैक केमती हेगला ब्रेन स्ट्रोक केमती हे जाउची लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हे जाउची किंतु से माने भी बे अफेक्टेड हेलेनी सेकंड एबेर जो आजर हमर डेमोग्राफी जोटा छि इंडिया रे जो माने यंगर जनरेशन तांगा वॉल्यूम इज मोर अच्छा बट स्ट्रेस बैड लाइफ स्टाइल वाइसेस चाहे अल्कोहल हो मसाला हो स्मोकिंग हो ड्रग्स हो यार प्रचलन बेसी बढ़ी गलानी तेनाली बेस बेमारी होती तेणु जदिओ प्रायत दुटा जाक एज ग्रुप पिला बड़ों क्षेत्र में हुए बर्तमान मझी एज ग्रुप बहुत गुट बेमारी देखा तथा कौन पिला क्षेत्र में हो बड़ों क्षेत्र में हो पिला क्षेत्र में एपिलेप्सी हवा गोटे बड़ लक्षण से पिला क्षेत्र में चली नपर मसल विकनेस हवा नर्व विकनेस हवा मेन्टाल सबनर्माली मंद बुद्धि पिला जो मैंने कहते जो पिला माने पाठ पढ़ी पार ना स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस होनी आजिकल दिन में पिला क्षेत्र में भी डिप्रेशन देखा गलानी कहीं आमर जो सोशल स्ट्रक्चर फैब्रिकटा चेंज हो गलानी आगुरी कौन थी बाप माँ थे छुआ मैंने भाई बहन मैंने समस्त एकाठी रोते समस्त पिला एकाठी बसते उठुले खेलुले लिमिटेड रिसोर्सेस से समस्ते भाग बांटिक निज भर सेयार कर चल आसिकी बर्तमान चेंज हो गला बाप माँ रे छुआ को देखिए अलग रे तांकर जितिक रिसोर्सेस अच्छे से मेजर सेयार पिला क्षेत्र में गला सो पे कंप्रोमाइज कर शिखिपारे तेणु जो कि रेजिस्टेंस आसला कि कंपिटिशन आसला से नर्वसनेस बेस डेवलप कर स्ट्रेस बढ़ जाऊ कौन के चेंज हवा दरकार लाइफ स्टाइल जमी खास कर पिला क्षेत्र में कहीं पिला गोटे गढ़ी होते से सब कौन बापा माँ को खास कर बापा माँ को कौ कौ दिग प्रति ध्यान देवाटा निहाती दरकार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो जो भी बापा माँ दिजन जाक चाकरी कर आजिकल मोस्ट ऑफ द फैमिलीज रे बोथ हस्बैंड वाइफ दिजन जाक चाकरी कर दिजन जाक निजर स्फीयर रे रहिले समस्त को इंडिपेंडेंस दरकार बापा को भी दरकार माँ को भी दरकार जिते पिलार रियल नीड अच्छी से आईदर आया पाखे रही रे ना जाकि क्रेच रे रे कि कौटे सो से जो स्ट्रेस आसूची कौन सी प्रकार रेजिस्टेंस आसूची से मैंने क्या सांगे सेयार करें तो एक्सपीरियंस ना जिते सेयार करने चाहते आप मोबाइल फोन धरी दे कहते तो मोबाइल फोन खेल आवश्यक कि मुझे कम कर मदर अफिस आसूसी कुकिंग भी देखा अच्छी घर भी देखा अच्छे सब करा तार निजर भी इच्छा अच्छी तार किए सांग आस कथा हो बहुत लोग वर्क फ्रम होम कर वर्क को आणिक घर पुरुष
सो से क्षेत्र कौन चाहिए पिला माने होचंदे छोटर मैक्सिमम अफेक्टेड होचंदे जो पिला माने सब इथे रहचंदे बहुत छोट पिलांग ऑटिज्म हो जाउची ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हो जाउचंदे एडीएसडी पिला मान को हो जाउची बाकी होची कोन ना पिला माने इतलो कोप अप कर पर नांती दे गेट डिप्रेस तांकर पर्सनालिटी बिहेवियरल चेंजेस हो जाउची सेकंड इनसो आजिकल खेलाधूला करने पर पिला मानक बाहर छड़ा जाऊनि ये कोविड पीरियड रे देखिबे प्रायत जदि आपण देखियो कोनसी भी सोसाइटी रे सब पिला मान मोटाई जाय छथि पूरा जाको देखिबे समस्त बेलून मले फुल छथि काहे कि घर भीतर रहिले मोबाइल फोन धरले आउ किछि काम करे को नै घर तो कार एमति राष्ट्रपति भवन भले बड़ नै जे से खाली चलाबुला करियो ता भीतर खेलिबे जति कि लिमिटेड रिसोर्सेस छै अपन ता भीतर रहिले बाहर को बाहरी बार नै ता भीतर पिला रे एक्सपोजर हेलानी ए कोविड पीरियड इज द वर्स्ट पीरियड इन एनी चाइल्ड्स लाइफ पिला मानन को जति अपन प्रकृति रे भावुचें देखर पई बाप मां को समय दवा दरकार अपन वर्क एंड फैमिली दिटा रो बैलेंस ने बहुत जरूरी अपन जोटी फुल स्टॉप करिवे काम रो सेटी कले मो आज इतिक काम अर्ज अधिक करबेनी कम व्हाट मी ता भीतर अपन टाइम काढिले जे मते जति बैलेंस करके करय कोचे तले मो को जिंस छाडीबे सपोज मते मो सांग मन सांग रे 5 दिन के 7 दिन ट्रिप रे जीवा कोचे इफ आई कैन अफोर्ड दैट मे बी तादर किछ दिन काटी दे के पटे दे भी फैमिली को बिकॉज़ पिला मन कर फॉर्मेटिव इयर्स रे तमरो प्रेजेंस रेबा बेसी जरूरी जदि सेटा को न कर पारचंदी केवल वर्क स्पेयर रे रोचंदी किमा इंडिपेंडेंस को चेष्टा करचंदी आज के दिन जेमते डिवोर्स रेट अधिका हेलानी आगो को दिन को पिला बाहा भी बेनी दे वोंट वोंट चाइल्ड कि भाई पिला हेला मते टेंशन अछि एबे मो पाक पेशेंट आछंदी जो माने कहउचन झियो माने पु माने भी जे वी प्रेफर लिव इन रिलेशनशिप कारण हमको रेस्पोंसिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटीज दरकार नै जति एति खुशी अछि ताले डॉक्टर पको आसी कोन पाई एवं जो प्रॉब्लम पाई आसी तार ओरिजिन होची जेसे खुशी नै जति जण लोक दुखी रहउची ताले दुखी काहे रहउची तमर जॉब अछि इंडिपेंडेंस अछि लिव इन रिलेशनशिप रे अछ अकाउंटेबिलिटी किछ नै सास ससुर पिला छुआ घर दर किछ तमर रेस्पोंसिबिलिटी नै खाइबा आणले जदि तमे से तमे आलू काटिल ताले से आलू धोइबो जदि रोसई कल त मिसि खाइबो आज इच्छा नला बाहर खाइलो सब किछ लिबर्टी त अछि ताले दुखी काहे कि बहुत समय रे संयम आचरण बहुत जरूरी सेठी फैमिली रो रोल एक्चुअली मैक्सिमम आजिका दिन जो यंग पिलांकर थॉट प्रोसेस चेंज हो गलानी ताकु मु कहले सजेस्ट करबी जे ठीक अछि एबे तमे 20 25 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष भीतर सब जहाँ चाहिले ता कर दे पारलो व्हेन यू रीच टू 60 इयर्स छतल की दम पकड़ थिबो अगर कोन थिला बापा भी रहुतले पु रहुतले नाती रहुतला घर भीतर विभिन्न काम दम अछि समस्त मिसी करथले गार लाइफ स्टाइल देखंतु गाँ मंडप बड़ मैंने बसुले गाँव रोटे क्लब घर अच्छे जो यंग लोक मैंने बसुले पिला मैंने से खेलाधूला कर दौड़ा से दौड़ा दौड़ करके रोते घर भितर 10 जन अच्छा भितर खेलाधूला करते किसी बड़ गैजेट दरकार ना झील मैंने पुची खेल से चटा खेल सैकेल रबर या धरिक दौड़ा सैक्लींग पोखर स्विमिंग करवा खेल भितर ही एक्सरसाइज होता बर्तन एक्सरसाइज करे पे पिलांगो जबरदस्ती जिम तो एबे जो पिलांगो देखिबे समस्त को हाथ रे केवल मोबाइल आ किछ एक्टिविटीज ही नाही ताकर फिजिकल एक्टिविटीज से माने किछ रहउ नांती मु गोटे जिंस फील करे सर जंती कहिले पिला मान को जो टाइम देबे पिला मान जतले गोटे कथा एक्सप्रेस आपन स त कथा हबा को चाहु चंदी फादर हो मदर हो आपन को टाइम काढी के सुनिबा को उचित उचित निहाती भाबरे कॉल दे टाइम रे में जदे न सुनि दबा बुद्धिया से किसी फील कर देबे जे मो बापा हो तो मा हो तो मो कथा तो सुनुनी सेकंड जदे मो किसी कहबा को चाहु छी भी इच्छा हबो मरि जीव से इच्छाटा जे कहबा को भी इच्छा इमीडिएटली कहला बेले सुनिबा सुनिबा दरकार नेत बापरे गोटे फोन कॉल नै जीबा जने दर्शक बंधु हमस जोडी सर छेंती हेलो हेलो आ गया मैडम नमस्कार के कहउ छेंती आ कोठ कहउ छेंती पटक पटक से जे रु कहउ छी आ गया आ जो मो ना ज्योति कैनन गो आ गया मोर दांतर के प्रॉब्लम होची मते मैडम सान पता अनियाती नियाती कथा है जंत मैडम कथा है जंत मैडम नमस्कार कोहन तो मु सिटीए रु कहू छी आ गया सिटीए रु कहू छी आ मोते मैडम को संग रे पता हा हा मैडम को सहित कथा होचंत आपन प्रश्न रखंतु कोन जानिबा को चाहु छंत मोर ए किछ दिन आब दांतर के प्रॉब्लम होची
ମୋ ଦାନ୍ତଟା ଟିକେ ୱିକ୍ ୱିକ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେନ୍ସୋଡାଇନ୍ରେ ଦାନ୍ତଟା ବ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଖିଲି, କିଛି ଦମ୍ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁ କିଛି କମିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦାନ୍ତରେ ହେଉଛି ନା ସବୁ ଦାନ୍ତରେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଆଗ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଛି ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କୋଭିଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ମୋର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ତାର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୋଧେ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ସେମିତି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିବ କି କୋଭିଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ସେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥରେ ଯଦି ନିୟର ବାଇ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ୱିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ସେ ଟୁଥ୍ରେ ପଛପଟୁ କିଛି କେରିସ୍ ଥିବ, ଆଉ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଫିଲିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଦାନ୍ତର କିଛି ଅଦର୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଖାଲି ସେନ୍ସୋଡାଇନ୍ ଲଗେଇଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଲ୍ଭ ହେବନି। ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର କି ଆପଣ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱିକ୍ନେସ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଭର ଦ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା କରିହେବନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତର ସେ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତର ଗୋଟେ ବ୍ଲିଚ୍ ବି କରାଯାଏ, ହ୍ୱାଇଟନିଂ ବି କରାଯାଏ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲିଚ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟର୍ମ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଫିଟକିରି ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି କିଛିଟା କେମିକାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲଗେଇବା, ସେଇଟା ବ୍ଲିଚିଂ। ଯେମିତି ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲିଚ୍ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟେ ଏରିଆଟା ପୁରା ଚକଚକ୍ ଚକଚକ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ମାନେ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟର ମୁହଁ ସହିତ କମ୍ପାଟେବୁଲ୍ ବାଲା ପ୍ରୋସିଜିଅର, ମାନେ ଆପଣ ଦାନ୍ତକୁ ବେଶୀ ନୁକସାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ମଇଳା ବସିଛି ସେତିକି ଅମାଉଣ୍ଟଟା ବ୍ଲିଚ୍ରେ ଯିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁଥ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ଟା କେତିକି ପରିମାଣରେ ଲଗା ହେବ, କେମିତି ଲଗା ହେବ, ମାନେ ତା ପାଇଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଲି। ତାହେଲେ ତାର ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଲିଟିଲ୍ ୟେଲୋଇସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ହାଲକା ୟେଲୋଇସ୍ନେସ୍ଟା କାଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦୁଶିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରିଦେବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସିବେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ଓହୋ, ସୋ ସେଇଗୁଡ଼ା ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଜଜ୍ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ନେଇଯିବା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଗତ୍ପୁର କହୁଥିଲି, ଜଗତ୍ପୁରରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାଲ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ନିରୋ ନିରୋ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ମସଲ୍ସ କାମ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମସଲ୍ସ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବସିକିରି ଉଠିଗଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ପଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପାରେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କେମିତି ହେଉଛି, ବ୍ରେନ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି କି, ହାର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରେ, ତ ସେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ, ଏଲ୍ଡରଲି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଥାଆନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଯାହା ମୁଁ ବେମାରୀ କହିଲି ଯଦି ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛେ ଏବଂ ତାପରେ ଉଠୁଛେ ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ୍ରେ ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ କରେକ୍ସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେବା କଥା ଯାହାଙ୍କର ନ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କାରଣ ଥାଏ ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କଥା ବି ହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ବି ପାଇସାରିଥିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଯିବେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପଚଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ବା ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଘରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେବେ ମାନେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହାବଭାବ ଭଙ୍ଗୀକୁ କପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ତ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପୋଜ୍ ଫାଦର୍ ମଦର୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିକି ଘରେ ରଖିଛି ମଦର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟିମିଡ୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ତାହେଲେ ପିଲା ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେବ ସପୋଜ୍ ଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ପ ପାଖରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ପ ଇଜ୍ ଡମିନେଟିଂ ତା'ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଚୁପଚାପ ବସୁ କିଛି କରିବୁ ବାଟି ଧରିକି ଚୁପ୍ ବସ୍ତା କିଛି କରିବୁନି ଏବେ ଯା ତୁ ନ ଖାଇବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ସୋ ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ପରେ ଆଇଦର ପିଲା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଯିବେ ଅର୍ ପିଲା ପୁରା ଟିମିଡ଼୍ ହୋଇଯିବେ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯିବେ ତେଣୁ ତା'ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର୍ ପଛରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଏ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ 4 days ଏ ୱିକ୍ ୱାର୍କ କରିଦେଲେଣି ଓନ୍ଲି 4 days କାମ କରିବେ 3 days ଲିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଆର୍ ପେଡ଼୍ ଫର୍ 7 days ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାର୍କ ଫର୍ 4 days ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ନହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ନେଗେଟିଭ୍କୁ ଗଲାଣି ହାପିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେମାନେ ତଳକୁ ପଳାଇଲେଣି ହାପିନେସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ମନି ଦେବନି ହାପିନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ୱେନ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ମିନ୍ସ ବୋଥ୍ ଇନ୍ଲର୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ତୁମ ନିଜ ସାଇଡ଼୍ ବି ସପୋଜ୍ ୟୁ ମେକ୍ ସମ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ତାରତମ୍ୟ ବେଶୀ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଯାହାକୁ ଯେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଦେଇପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ କିଛି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କାହିଁକିନା ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କିମ୍ବା ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ସେମ୍ ଏଜ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଇଫ୍ ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କି ତା କାମ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ କାମ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନିଜେ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସେ କି ମୁଁ ତୋଠୁ ବଡ଼ କି ସିଏ ତାଠୁ ବଡ଼ ସେଇଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆସିବ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଆସେ ମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତି ନା ଏମିତି ଛୋଟବେଳୁ ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍ ହିମ୍ ଅଲୱେଜ୍ କାମ୍ 24 hours ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରହେନି ରାତି 3 ବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ବି ପେସେଣ୍ଟର ହି ଆନ୍ସର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ବା
I have learned this from him. एटा हे गोटे डॉक्टर रही परिचय अनिहाते बारे बहुत ही सुंदर थिला काकि ना हम पकरे समय बहुत कम अछि किंतु ढेर सारा आउरी कथा अछि किंतु बाकी रह गेला आउ दिने जदि भी केबे सुजोग मिले तो निहाते बारे रिक्वेस्ट अपन दि जण फोन थरे आसंतु अमर सह जोडी हेबे आ लोकन को मध्ये अनेक रोगर निराकरण बिषय रे मध्ये कहबे आ अपन एते पॉजिटिविटी दु जणकर जोडी एते सुंदर एते पॉजिटिविटी चिंताधारा खूब सुंदर थिला आजर आलोचना तो बहुत बहुत धन्यवाद आ मसो गुड मॉर्निंग गुड साथ छथिबारु नमस्कार थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू तो वर्तमान तो समय शेष हो जाएगी आउ गुड मॉर्निंग ओडिशा को शेष करने पूर्व आसत नजर पकेबा राशिफल रोचु नमस्कार